Okay. Okay, and reskilling can be. I can either train them as carpenters, bus, driver, yeah, car drivers, uh, security people, anything, any anything. Uh, have a small vocational center in a particular village and train people so that they reskill, give them a stipend, send them to a better job, more dignified job rather than cleaning toilets. Second thing is the use of technology. Uh, techno I have spoken to a lot of robotic manufacturers, madam. Manu.

मैं आई रिस्पॉन्ड मैं आई रिस्पॉन्ड ना हूँ हाँ एक्चुअली रोबोट सेक्लेनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इश्यू है और मशीन से भी लाइक like, uh, हम लोग तो अभी तक मशीन तक पहुँचे हैं रोबोट uh, का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है मुझे आज भी याद है इंग्लिश डिपार्टमेंट हैदराबाद ने एक ऑर्गेनाइज़ किया था कंजिंग पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ एक स्टूडेंट ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाया था कि हाउ टू क्लीन ड्राई लैट्रिन हाउ टू क्लीन द ड्रैगन बाई आ, तो, आ, मशीन नोट मैनुअल तो वो मशीनें इंडियन गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आ, काम की शुरुआत हुई नो डाउट एज आई एम लिविंग इन दिल्ली दिल्ली के सी एम अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ मशीनों को मंगवाया था आई एम टिंग अबाउट मशीन नोट रोबोट रोबोट इज ए बिग प्रोजेक्ट आई थिंक और सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंटलिटी जो हमारी बनी हुई है कि हम uh, जो चीज़ हम सस्ते में ले सकते हैं काम उसमें हम रोबोट पे क्यों पैसे खर्च करेंगे क्लियरली आई एम थिंकिंग अबाउट दैट इश्यू क्योंकि मेंटलिटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कॉन्ट्रैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कॉन्ट्रैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बट 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 इफ इफ यू हैव ए प्रेशर ग्रुप ऑन कॉन्ट्रैक्टर देन ही कैन डू आप ये बताइए मुझे जब सरकार किसी को ठेके देती है वो चाहे रेलवे स्टेशन का क्लीनिंग का हो एयरपोर्ट के क्लीनिंग का हो हॉस्पिटल्स के क्लीनिंग का हो हम सब जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ठेके पे दी जाती है और उसका बकायदा कॉन्ट्रैक्टर साइन होता है उसके टर्म कंडीशन के साथ वट आई एम ट्राइंग टू से जब कॉन्ट्रैक्टर जब दिया जाता है किसी भी पर्सन को ट्रम कंडीशन के साथ दिया जाता है अगर वो गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको रोबोट से काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्टर भी इसी तरीके के लेके आएगी अगर सरकार ही इसलिए परक्रेक्टर इसलिए नहीं करेगा आप ये बताइए कि अगर आप मशीन पे जो पैसा खर्च कर सकते हैं डिक्की एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक बहुत बड़ा जो काम कर रहा है दलितों के पीछे यू नो अबाउट डिक्की तो डिक्की के साथ मिलकर सरकार ने किया ठीक है और वी दि, कैन से डिक्की इज़ द थर्ड पार्टी ना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हाँ स्टेट गवर्नमेंट वेयर दे अप्लाई फॉर द मशीन बाय क्लीनिंग तो जब डिक्की जब कॉन्ट्रैक्टर देगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी टर्म कंडीशन भी लगाएगा इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी टर्म कंडीशन लगाएंगी देन हाउ कैन डिनाई द कंट्रैक्टर तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर का अपना बिजनेस है हुँ? अगर आप एज ए मतलब अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दें कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का देंगे और मैं उसको फुलफिल करने में इंटरेस्टेड हूँ और आप मुझे ऑफर कर रहे हैं कि आप इतने रोबोट बनाइए हमें ड्राई लेटरिन को या मेन हॉल को साफ करने के लिए चाहिए तो कंट्रैक्टर तो आराम से करेगा बट मेंटलिटी सरकार की और वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको जिसके लिए जो जो काम करवाना चाह रहा है रोबोट से उसकी मेंटेलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ठेकेदारी पे देती है ओके यस हाँ मेरा आर्गुमेंट ये है कि कॉन्ट्रैक्टर पे मेरा आर्गूमेंट नहीं है मैं मैं ब्लेम बिल्कुल सीधा गवर्नमेंट को कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उसके बाकायदा टर्म कंडीशन होती हैं अगर सरकार ये कहेगी कि इस इतने एरिया को आपको मेन हॉल को साफ करवाना है या शिविर में उतर के इसकी सफाई करवानी है किसी की ठेकेदार को देती है ठेकेदार के साथ बंधा होगा ये कि उसको ये इंसान से नहीं करवाना मशीन से भी नहीं करवाना है इसको रोबोट से करवाना है तो वो बंधा हुआ है अगर वो बंधा हुआ ना हो तो वो जिससे मर्जी करवाए तो ये तो सरकार की मेंटेलिटी हुई ना कि वो सरकार उसको सिर्फ ठेकेदारी ठेके पे इसलिए दे रही है कि उसको अपना काम खत्म करवाना है चाहे वो जैसे मर्जी करवाए ठीक है लेकिन वो जैसे मर्जी करवाए तो फिर वो रोबोट से क्यों करेगा इसलिए मैं पहली जो जिम्मेदार जिसको मान रही हूँ वो सरकार को मान रही हूँ ना कि कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल देगी सरकार तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पैसे दे रही है ना उसको तो बिल्कुल एकदम अगर सरकार ज, आप ये बताइए जब सरकार चांद पे पहुंच सकती है नासा तक जा सकती है बड़े बड़े आविष्कार हमारे यहाँ हो सकते हैं तो जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है जिसको हर व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो हर व्यक्ति जो प्रयोग करता है उस प्रयोग करने के लिए एक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक आपको एक नई खोज करनी है इनोवेशन करना है तो क्यों नहीं हम इनोवेशन कर पा रहे इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी मेंटेलिटी इस तरीके की है कि आप ये देखिए अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ रामलोर लोहिया लो हॉस्पिटल है दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है वहाँ उस हॉस्पिटल में क्लीनिंग करते हुए चार लोग मारे गए ठीक है सीवर में हॉस्पिटल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं बाहर की बात नहीं कर रही हॉस्पिटल जहाँ आदमी को बचाने का एक सबसे बड़ा साधन माना जाता है भगवान मानते हैं हम डॉक्टर्स को वहां पे जब मारा जाता है कोई व्यक्ति मर मर, मर मर चुके थे वो जब तक उन्होंने इलाज तक तो पहुँच ही नहीं पाया उनकी ही डेथ हो चुकी थी अब मुझे ये बताइए कि वो हॉस्पिटल क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या इसकी सर अंडर गवर्नमेंट जिसके भी अंडर गवर्नमेंट में आता है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस तरीके के, के काम करवाने के लिए चेक एंड बैलेंस रखें बट हमारी प्रॉब्लम डेफिनेटली बैन है बट नहीं वो बिल्कुल सही है देखिए कानून एक्सीडेंटली नहीं बट वो देखिए अब तो एक्सीडेंटली कुछ पार्शली कह सकते हैं बट स्ट्रॉन्ग हो चुका है सोशल मीडिया बाकायदा उसकी वीडियोज़ आती हैं सीसी टी वी कैमराज में भी होता है क्योंकि हॉस्पिटलों में लगभग लग सी सी टी वी कैमरे लगे हुए हैं मतलब ऐसी ऐसे स्पोर्ट बाई चांस बाई चांस जहाँ वीडियो भी बन जाए तो आप उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा 2013 का मेलवल स्कैंडिंग एक्ट भी आ चुका है कानून बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मेन हॉल में नहीं उतरेगा ठीक है सफाई करने के लिए लेकिन इसके बावजूद भी कानून को कानून ने कितने लोगों को सजा दी है अभी तक आप मुझे बताइए बता दीजिए दिल्ली जैसी जो देश की राजधानी है भारत की राजधानी है भारत की राजधानी में लगातार लोग मारे जाते हैं मर जाते हैं सिविल साफ करते हुए कितने लोगों को कानून ने अच्छा सजा अभी तक दी है बिल्कुल अभी भी मरे हैं नोएडा में अभी हाल फिलहाल दो तीन दिन पहले की घटना है आपकी और मेरी इस बातचीत से मेरे ख्याल चार पांच दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा नोएडा में डेथ हुई है एक व्यक्ति की आप बताइए कि आप आप ये कैसे मानेंगे कि आपने लॉ बनाया जो हमारी माननीय कोर्ट का ऑर्डर भी है इसके बावजूद भी लॉ एक तरह से बाईपास कर दिया जा रहा है और इसके बावजूद भी सब दुख इस बात का है कि सज़ा नहीं मिलती अगर सज़ा मिलनी शुरू होगी तो जैसे होता नहीं हमारे यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग जो खासकर युवा जो लोग हैं वो बिना हेलमेट के निकलते हैं राइट लेकिन जब पुलिस वाला पकड़ लेता है उनको तो उनको जुर्माना भरना पड़ता है उनका जो व्हीकल है कई बार उसको भी आप फ्रिज कर देते हैं लाइसेंस ले लेते हैं तो ये चेक एंड बैलेंस है ना मतलब जो कानून बना हुआ है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सजा का प्रावधान इसलिए दिया गया है आप मुझे ये बताइए 2013 का एक्ट हमारे सामने आ चुका है बिल्कुल एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी भारत के न्यायालय ने अभी तक कितने लोगों को सजा दी है जो सीवर में मारे गए हैं यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं उसने एक करोड़ की घोषणा की थी कि जो भी सिवर साफ करते हुए दम घुटने से जिसकी डेथ हुई है उसको एक करोड़ दूंगा अभी तक मुझे ये बताइए कितने लोगों को एक करोड़ रुपए मिले हैं तो आप ये बताइए मुझे दस लाख कितने लोगों को अभी तक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिए हैं बहुत बहुत लड़ना ही पड़ेगा इसके इसके अलावा कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो मेंटेलिटी बनी हुई है ना नहीं पर अगर आप ऐसे ऐसे अगर ऑन दिस लाइन इसका तो सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को एक थोड़ा तो सा टॉप साइंटिस्ट के साथ ये गवर्नमेंट को अगर खुद रोबो बना के सब्सिडी में देती है और स्टेज को देती है तो खर्चा भी, भी कम होगा का खर्चा भी कम होगा तीस चालीस लाख का प्राइवेट रोबोट लेने ले की जरूरत नहीं है जी दो तीन लाख के अंदर अगर ये रोबोट बन सकती है सिर्फ यही सलूशन हो सकती है या हमारा इसका और कुछ सलूशन है देखिए इसका सलूशन मैंने कहा साथ ही साथ बिल्कुल सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रोबोट अप्लाई करवा सकती है सब्सिडी पे करवा सकती है जैसे जो मशीनों से सफाई करने का दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था उसमें सब्सिडी था कुछ कि जो मशीन जो लेगा उसको सब्सिडी मिलेगा बैंक से लोन मिलेगा और भी तमाम तरह की उसमें फैसिलिटी एक तरह से दी गई थी मैनुअल स्केंजर को असिस्ट जो आ, जो काम करने वाले इसमें जो काम करते हैं सिवर में या साफ सफाई का जो काम करते हैं लेकिन सरकार के साथ साथ मैं जो समझती हूँ सरकार के साथ साथ एक मतलब एक मानवीय मूल्य हमारे अंदर भी होने चाहिए कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रही देना चाहती तो सरकार और कानून दोनों ही एक तरह से रखे रह जाएंगे किताबों में लेकिन अगर उसमें उसको समाज को जागरूक करके जैसे हमने शौचालय के ऊपर करवाया सरकार का एक तरह से प्रावधान था ना सरकार ने इसको जन जन तक पहुंचाया हर तरह के उसमें अम्बेसडर भी बनाया ये क्या नाम है अमिताभ बच्चन को भी बनाया शायद उन उसमें और स्वच, स्वच्छ स्वच्छता अभियान को लेके निर्मल भारत अभियान यूपीए की गवर्नमेंट ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान आ, करंट गवर्नमेंट ने चलाया है तो आपने जन जन तक उसको पहुँचाया है ठीक है अगर व्यक्ति ना भी करना चाहे तो भी डर के मारे करेगा बेसिकली हमारी इंडियन मैंटिलिटी जो है ना हम लोगों की हम लोग डर से ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं डर अगर हो तो हम अपने कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं अगर डर हमारे अंदर ना हो तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते यही वजह है कि अगर सरकार चाहे भारत की सरकार स्टेट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही चाहे अगर अपने स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश है या साउथ के जितने इवन नॉर्थ में ये केवल साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का क्वेश्चन नहीं है इंटायर भारत की यही समस्या है हमारे पूरे भारत में ये समस्या है कि सिवर साफ करने का काम एक खास वर्ग को दिया जाता है वही खास वर्ग का व्यक्ति यहाँ तक कि आपको 500, 500 रुपए में भी बिना किसी उपकरण के बिना किसी संसाधन के वो मेन हॉल में उतर जाता है और डेथ हो जाती है दिल्ली में ही कहीं तो फादर और से जो से से है, जी जी सिर्फ पैसे की नहीं है मैं ये कहना चाह रही थी आपको ये शुरू से ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि सरकार क्या है आखिर आप बताइए सरकार के डेफिनेशन हम कैसे करते हैं व्यक्ति हैं समाज में रहने वाले गवर्नेंस जो गवर्न करेगा सरकार की पॉलिसीज को उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कौन है वही लोग हैं जो समाज में रहते हैं मेंटलिटी हम लोगों की ऐसी एक हरारकी सिस्टम जिसको हम वर्ण व्यवस्था से लागू करके भी कह सकते हैं और कास्ट सिस्टम से भी लागू करके विद इन कास्ट भी वन मैं आपको एक एक स्टेप और जा रही हूँ विद इन कास्ट के अंदर भी जो कास्टिज्म है मैनुअल स्केंजिंग के प्रति वाल्मीकि कम्युनिटीज के, के प्रति साफ सफाई का, का काम करने वाली तमाम दूसरी उसको आप किसी भी नाम से जान जान लीजिए हेला समुदाय कहिए पसमानदा समुदाय कहिए भंगी समाज कहिए चूड़ा समाज कहिए कहिए जो भी उनको नाम आप देना चाहें महार कहिए या जितने भी तमाम भारत की अलग अलग आपके साउथ में किसी और नाम से जानी जा रही हैं ये जमात तो ये जितने भी समुदाय जितने भी जातियां हैं ये जातियां जो टुकड़ों टुकड़ों में एक तरह से बटी हुई है उसके साथ जो मेंटलिटी है जो जो मानसिक हमारा बना हुआ है जो हमारा मानस बना हुआ जन मानस बना हुआ उनको ये लगता है कि ये काम इसी खास वर्ग का है इसके लिए ना हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है ना हमें इसके अंदर एक तरह से आ, आ, इन्वेंशन करने के नए नए की जरूरत नहीं है ना हमें रोबोट करने की रोबोट तो बाद की बात है मशीनें भी तो आ रही है न जरूरत क्या है ये बेसिकली मेंटलिटी इज मोस्ट प्लेइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट इंटायर आप देखिए बैजवाड़ा विल्सन ने बैजवाड़ा विल्सन ने पूरी के पूरी उम्र लगा दी बैजवाड़ा विल्सन जब से काम कर रहे हैं लगातार इसी इशूज़ पर काम किया उन्होंने सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से और तमाम मैं खुद बैजवाड़ा विल्सन के साथ उनकी सफाई कर्मचारी जो संघ है उसमें गवर्निंग कमेटी मेंबर रही हूँ और इसमें एक जो हमारे साथ में ये क्या नाम है इनका सुलभ शौचालय ये भी काम कर रहा है सुलभ शौचालय को दे सकती है कॉन्टैक्ट पे बैजवाड़ा विल्सन को दे सकती है रोबोट के लिए लेकिन मेंटलिटी काम नहीं कर पा रही जैसे आपने जन जन के लिए शौचालय के का अभियान चलाया था ठीक उसी तरह रोबोट के लिए भी अभियान चलाने की जरूरत है जब तक आ, सफाई काम क, 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 सफाई का काम करने के लिए रोबोट जैसी चीज़ों को मशीनों को जब तक जन जन तक सरकार के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मेंटिलिटी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जो गवर्न कर रहे हैं लोग वो भी इसी समाज का हिंसा है वो भी उसी जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं वो भी उसी वर्ण व्यवस्था के वाहक हैं हमारा जो सिस्टम है जो रिलीजन का उस रिलीजन में भी एक जो ऊँच और नीच वाली जो भावना हमें हमारे अंदर घर कर गई है जो अभी तक भी हम इतने आंदोलनों के बाद भी चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हो सावित्री बाई का हमारे तमाम पुरखे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है काम करने में और अभी हाल फिलहाल में बैजवाड़ा विल्सन हुए तमाम लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं इसके बावजूद भी कोई रिजल्ट सकारात्मक नज़र आता हुआ दिखाई अभी तक नहीं देता इसके लिए जरूरी है कि सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्वच्छ भारत अभियान की तरह एकजुट होकर इसके ऊपर काम करे तब तब मुझे लगता है ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप में काम करेगा जी तो मैंने आपके, आपके सेकंड सवाल का भी जवाब दे दिया yes, जी uh, मैं एक ब्राह्मण हूं जी सो कॉल्ड दलित का दल, दलित दलितों का बुक भी काफी पढ़ा है मैंने नाउ एज and market myself saying that as a Brahmin i am doing this because to abolish the caste system hmm. Is, will it go in my favor or will it go against me man? you want to uh, ask about you individually ke bol raha hu ki agar because withan sahab se bhi baat ho rahi hai

मैं है या नहीं? मैं समझ रही हूँ आपकी देखिए श्री राम जी एक बात तो ये कि हम लोग हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो जो सोसाइटी के लिए जो काम करता है वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे दूसरी अदर कास्ट का हो या चाहे हमारा दलित बहुजन समाज हो जो समाज के लिए काम करता है समाज उसको पलकों पर बिठाता है ऐसा नहीं है आप ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे बोल कम्युनिटी के लिए काम किया ना केवल दलित ना केवल ओबीसी जैसे सी जैसी एस टी ओ वंचित वर्ग बल्कि तमाम भारत देश की हर एक महिला उनके लिए हिंदू कोड बिल जैसा प्रावधान लेकर आए तो बाबा साहब ने तमाम चाहे रुपए की समस्या हो अर्थव्यवस्था पर बात करना हो नहरों का जाल बिछाना हो बैंक का निजी बैंक का सॉरी बैंक का एक तरह से राष्ट्रीयकरण करना हो कितनी इश्यूज पे काम किया तो आज पूरा भारत चाहे वह दलित हो चाहे गैर दलित हो सभी ब्राह्म बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं ना वो क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इज सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान का खजाना है ज्ञान के प्रतीक हैं बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए उनको न केवल दलित और बहुजन पूजता है बल्कि इंटायर इंडिया भारत का हर एक व्यक्ति जो जागरूक है उनको मानता है और उनके काम को जानता भी है इसलिए मैं ये रही हूँ कि अगर आप 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 जो पूछना चाह रहे हैं मुझसे अगर आप इसके लिए काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इस, इसका जवाब इसका इसका आउटपुट सही नहीं आएगा मैंने बीच में एक जिक्र किया था आपको सुलभ का अगर आप उससे परिचित होंगे बिंदेश्वर पाठक खुद एक ब्राह्मण है बिहार से हैं आप आप जानते होंगे पूरा कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है टॉयलेट के ऊपर बाकायदा उनकी रिसर्च हैं तो मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ उनका इसका मतलब तो मेरी मेंटिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए थी कि मुझे बिंदेश्वर पाठक का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था बट मैंने किया ना जिक्र आपके सामने क्यों क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि पर्पज चाहे जो भी हो अल्टीमेटली गोल हम लोगों का कई बार एक ही होता है हो सकता है उद्देश्य आपके अलग हों बैजवाड़ा विल्सन के अलग हों किसी और व्यक्ति के अलग हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए ना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एरेडिकेशन वो किस तरीके से मतलब ये प्रथा ये जो मेला प्रथा है इसको खात्मा हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको काम करना चाहिए अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो क्योंकि जिस तरीके से बिंदेश्वर पाठक जिस जिस तरीके से उससे कई गुना ज्यादा बैजवाड़ा विल्सन जिन्होंने काम किया तो मैग्से अवार्ड उनको ऐसे ही थोड़ी मिला है उनको उन्होंने मेहनत की है इतना जीवन लगाया है अपना तो लोग तो ऐसा नहीं है कि आपको रिकगने तो नहीं लेकिन तो उनके साथ करते हैं। मैं मैं बिल्कुल मतलब आप आप तो जो तो कहना चाह रहे हैं तो मैं तो समझ तो रही तो हूँ तो लेकिन आप बिंदेश्वर पाठक को भी देखिए ना बिंदेश्वर पाठक भी, भी तो काम कर ही रहा है सारे लोग उसको जानते ही हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आपके जाने से समाज आपको इस तरीके से करेगा बट जो अगर आप वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस कम्युनिटी के बीच में जाकर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, का, लोग काम कर ही रहे हैं अगर आपने भाषा का नाम सुना होगा भाषा सिंह जिसने मलमूत्र ढोता भारत हाँ अदृश्य भारत माफ कीजिएगा अदृश्य भारत किताब लिखा उसने सारा का सारा सफाई कर्मचारियों पे महिलाओं पे और जो साफ सफाई पेशे से जुड़ी हुई महिलाएँ उनके ऊपर काम किया है तो क्या उसकी उनकी किताब को नहीं पढ़ा जा रहा उनकी किताब को कोट नहीं किया जा रहा वो तो ठाकुर परिवार से आती है वो तो नहीं है दलित तो इसलिए हमारे सामने एक नहीं मैंने आपके सामने दो ठोस उदाहरण दिए हैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोसाइटी के लिए काम करना चाह रहे हैं और सोसाइटी उसको डिनाई करेगी बट इट डिपेंड्स ऑन योर मतलब सॉरी एम्बिस ना भी वापस लेती हूँ मैं मतलब ये आपकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको आपका पर्पज़ क्या है क्या केवल एक मतलब एक तरह से समाज को ये मान के चलना है कि ठीक है मुझे भी कुछ करना है इसलिए करना है एक आप शिद्दत से चाहते हैं कि रोबोट जैसी प्रणाली साफ़ सफाई के पेशे में आनी चाहिए मशीन भी आनी चाहिए रोबोट क्योंकि तो एक पूरे इंटायर इंडिया में रोबोट सिस्टम से जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा इसमें प्रैक्टिकल कम नज़र आ रहा है लेकिन मशीनों का काम शुरू हो चुका है अगर आप लोग मशीनों पे भी जोर देंगे कुछ मशीनें आई हैं जैसे दिल्ली में मशीनें आई थी उसके बाद अब अब मेरे ख्याल पता नहीं उनका क्या रहा आगे आएंगी या नहीं आएंगी और भी पूरे भारत में जगह जगह मशीनें आनी चाहिए जो नहीं आई तो हमारे एक एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता था कि हम लोग जो सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं हमें एक तरह से मशीनों के माध्यम से इसको काम को करवाना चाहती हैं जो डेथ रेट को रोका जा सके और आम नागरिक मतलब खासकर वंचित समुदाय से इस समुदाय से आने वाला व्यक्ति ऐसे सिवर साफ करने के लिए ना उतरे बिना उपकरण के बिना ऑक्सीजन वगैरह लिए तो उसको रोकने के लिए भी एक तरह से प्रयास किया जा सकता है मुझे ऐसा लगता है okay, जी और है ये ये रीस्किलिंग के, के बारे में क्या सोचते हैं हमारा मान लीजिए आज यूपी यूपी ले लीजिए यूपी हुँ. में एक छोटा सा से बुंदेलखंड जी मान लीजिए एक 40 45 इयर ओल्ड का आदमी है जो ऑटो रिक्शािंग करता है उनका वाइफ है मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं ठीक है और वो दलित का है वो जो भी दलित का कम्युनिटी का है अगर मैं उसको रजिस्ट्री करना चाहता हूँ वो उसी विलेज में काम नहीं कर सकता है करेक्ट बिकॉज वो अंगी है और जो भी है उनको दे सो so, अगर मैं उनको रजिस्ट्री करना चाहता हूँ ये पॉसिबल है मान लीजिए उनको एक उनको एक बस ड्राइवर बनना चाहता हूँ

में ही है। जी लेकिन मैं मैं आपके बात से पार्शली सहमत हूं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आज जिस तरीके से जागरूकता आई है बाबा साहब आम्बेडकर क्योंकि पढ़े थे इसलिए उन्होंने सारी चीजों को बदल दिया तमाम लोग अब एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं एजुकेशन के लिए बात करते हैं एजुकेशन के लिए फ़ाइट करते हैं एजुकेशन के लिए हर तरह के अपने बर्तन बेचने पड़ो या कपड़ा लत्ता या जो भी अभाव में जीना पड़े वो जीते हैं ऐसा नहीं है कि अब ये समाज खासकर सफाई पेशे से जुड़ा हुआ समाज अब ये मानता है कि मुझे तो टॉयलेट ही साफ़ करनी है ऐसा नहीं है अब चेंज बदल अब बदलाव आ चुका है पार्शली पर्सनली मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो गांव देहात में जो इंटीरियर में होंगे जहाँ वर्चस्व है ऊंची जातियों का मैं यही कहना चाहूँ उनको चेन्नई में नहीं देखिये देखिये मैं, मैं... शिर मैं मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेती हूँ मैं एक तो एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल एकदम पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी अब चाहती है कि उनके बच्चे भी यही काम करें या वो खुद भी ये काम करें वो काम को छोड़ने के लिए तैयार हैं और छोड़ भी चुके हैं ऐसा नहीं है सफाई कर्मचारी आयोग में इसमें काम करते हुए संगठन में हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है बहुत सारे महिलाओं का ऐसा देखा है जिन्होंने इस पेशे को छोड़ के दूसरा पेशा अपनाया है बल पढ़ने पढ़ाने का अपनाया है आ, इवन आ, ड्राइविंग का या तमाम जितने फल बेचने का रेहड़ी लगाने के तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं ये ये आप पॉजिटिव इसको मान के चलिए मैं मैं पॉजिटिव सोच रखती हूँ कि बदलाव हुआ है दूसरी बात जो आप कह रहे हैं माइग्रेट करने का राइट माइग्रेट करने में आदमी को विश्वास की ज़रूरत होती है ये आ, डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी आ, आप ये देखिए गांधी जी को हम अगर एग्जाम्पल लें गांधी जी गांधी जी जो थे गांधी जी के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी ठीक है और उनके साथ रहती थी हम सब जानते हैं कि उनका बाकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट विद लाइफ जो आई थिंक यही नाम है शायद एक्सपेरिमेंट विद लाइफ हाँ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो किया तो महिलाएं उसके साथ में थी ना ये ये विश्वास कहाँ से आया था गांधी जी से आया था ओबियसली स्पष्टता गांधी जी गांधी जी से आया तभी तो महिलाएं उनके साथ कंधे से कंध कंधा मिला के खड़ी हुई तो इसमें विश्वास की ज़रूरत है अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि आप किसी परिवार को जो मैनवर्स कंजिंग का काम कर रहा है और उसको आप ये कहिए कि मैं आपको तमिलनाडु लेके चलता हूँ और मैं आपको दस पंद्रह हज़ार रुपये दूँगा आप इस काम को छोड़ के मेरे साथ आइए ये इतना आसान नहीं होगा राइट और क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है जी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है आई एम पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट हिम अबाउट दैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री लेके ले आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं इंजीनियर हैं हमारे बाकायदा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेकर आ रहे हैं हमारे लोग हमारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव हैं बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं डेफिनेटली हंड्रेड वन परसेंट चाहते हैं मेरा ऑब्जरवेशन है कि हंड्रेड वन परसेंट चाहते हैं कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा साफ सफाई का, का काम करे वो 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 देखिए उसका उसके उसके लिए एक बड़ी डिबेट की जरूरत है उसके रीजन हम सब जानते हैं कि अप्रकाष्ट का जिस तरीके का प्रेशर होता है शेड्यूल कास्ट के ऊपर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है वजह ये है इसलिए उनको फिर जब कोई साधन नजर नहीं आता तो उनको लगता है कि चलो यही काम कर लिया जाए दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट बहुत सारे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है ड्यूरिंग द कास्ट प्रैक्टिस इन स्कूल दे ड्रॉप द स्कूल करने में थोड़ा आसान है थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा है क्योंकि मीडिया का भी इस्तेमाल ज्यादा करता है सिटीज शहरों में थोड़ा सा सॉरी गांव में इंटीरियर के गांव में गांव में भी इंटीरियर जो बिल्कुल अंदर देहात के गांव हूँ उसमें थोड़ा सा मुश्किल है तो पहला चीज दूसरा है मैं ये, अगर ये, एक, एक विलेज

नॉट एबल टू गो टू स्कूल अपर कास्ट इनके इनके पास नहीं आ रहा है टच नहीं कर सकता है या महिलाओं जो जाते हैं जो जहाँ से पानी पीते हैं वो वहीं से नहीं ले सकते हैं वो नीचे बैठना है खाना नहीं खा सकते हैं उसी प्लेट से एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर दिस अक्रॉस दिस कंट्री और कंट्री छोड़ दो पहले अक्रॉस से एक स्टेट मान लीजिए तमिलनाडु जहाँ पे यूपी जैसे इतना बुरा हाल नहीं है पर फिर, पर फिर भी है अगर इसको एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी को ब्रेक करके ये मिलजुल के लेके आना है मैं सम आई नो वेरी वेल कि ये 2000-3000 सालों का प्रॉब्लम है अगर इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है मैं अपनी लाइफ टाइम में एक लाइफ टाइम में लो आप, आप जैसे लोगों के साथ मिलके कर सकता हूँ नहीं, नहीं कर सकते मुझे ऐसा लगता नहीं कर सकते नंबर वन टू बी फ्रैंक नहीं कर सकते नंबर टू ये बहुत आज के सिनेरियो को देखते हुए बहुत इम्पॉसिबल है कि हम कास्ट सिस्टम को तोड़ पाए क्योंकि इसके पीछे के पॉलिटिक्स इसके पीछे का रिलीजन इसके पीछे का कट्टरवाद ये कभी ख़त्म नहीं होने देना और जाति व्यवस्था को यूं का यूं बनाए रखना चाहता है वो चाहते हैं कि ये सिस्टम यूं का यूं बना रहे आपने कभी किसी नेता के मुंह से सुना है कि उसने कहा हो कि जात पात छोड़ देनी चाहिए आपने कभी किसी नेता के मुंह से सुना है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे अब कास्ट तो इसलिए मुझे मतलब मैं सिर्फ दो ही लाइनों में ये कहना चाह रही हूँ कि एक लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है दूसरी चीज़ मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक लाइफ क्या इंडिया के कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए इंटायरली ब्रेक करने के लिए सैकड़ों वर्ष और लगेंगे ये बढ़ा है घटा नहीं है आप बता दीजिए आप जहां मतलब मूछ रखने से आपको मार दिया जा रहा है आपको कपड़े पहनने से मार दिया जा रहा है आपको घोड़ी पे आज भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है आपको मंदिरों में आपको जाने नहीं दिया जा रहा आपको हरिद्वार में जो वो ले के आते हैं गंगा जल चढ़ाने के लिए वो चढ़ाने नहीं दिया जा रहा आपको शादी ब्याह में बारात को रोक दिया जा रहा है तमाम तरह की एट्रोसिटीज़ होती हैं इन सारी एट्रोसिटीज़ को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कास्ट सिस्टम ब्रेक होगा आई थिंक ये तो सवाल ही बेईमानी है मैं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इंटायर सोसाइटीज की तो छोड़ दीजिए आप विद इन ब्राह्मण ही तोड़ के दिखा दीजिए मुझे कितने ब्राह्मण कास्ट ऐसी हैं जो आपस में शादी ब्याह नहीं करती बहुत सारी कास्ट हैं नहीं नहीं कर सकते मैंने कहा ना कि इवन ब्राह्मण कैटेगरी में सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को लें छोड़ दीजिए दलितों को ब्राह्मण कम्युनिटी में भी अगर ले आप ब्राह्मण कम्युनिटी में भी बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो दूसरे ब्राह्मण के साथ शादी नहीं करते वहां भी अपने आप को कुछ ऊंचा मानते हैं कुछ नीचा मानते हैं तो जब आप एक कम्युनिटी में ही नहीं कर सकते तो स्टेट तो बहुत दूर की बात है उस स्टेट में रहने वाले जितने लोग होंगे जितनी कम्युनिटीज होंगे हाउ इज हाउ इज इट इज पॉसिबल मुझे तो लगता ही नहीं संभव है मेरा ऑब्जर्वेशन है और मुझे अच्छा लगेगा आपका ऑब्जर्वेशन सही हो मैं गलत हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा बट प्रैक्टिकली यही है कि तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ तक कि अब आप आ, आ, ए, एक आप कर सकता हूं अभी आपको, नहीं आप इंडिविजुअली कर सकते हैं में पूरी इसी में जाना चाहता हूं। तो बिल्कुल कर हाँ एकदम आएगा बिल्कुल कर सकते हैं कुछ तो बदलाव आएगा कर रहे हैं ना अब से हमारे विल्सन परिवर्तन तो आया ही है वो परिवर्तन धीरे धीरे आएगा वो एक बैजवाड़ा की लाइफ में नहीं आ सकता अब बैजवाड़ा विल्सन अगर ये सपना देखने शुरू कर दे कि भारत से मैला प्रथा मैला ढोने की प्रथा खत्म हो जाएगी नहीं होगी ठीक है लेकिन कुछ तो बदलाव होगा ना मैं इसमें यकीन करती हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी आप जैसा व्यक्ति मेरे जैसा व्यक्ति बैजवाड़ा विल्सन जैसा व्यक्ति तमाम जितने लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं सोसाइटीज में उन जैसे व्यक्ति कुछ करेंगे तो कुछ बदलाव तो होगा ना आगे तो आइए अभी तो आगे ही नहीं आया ना कोई काम करने के लिए आगे तो आइए तो अब आपने पहलकदमी की है आप कीजिए तो सही शुरू तो कीजिए कहीं से शुरुआत होगी तभी बदलाव आएगा ना और बदलाव आया है यू hmm. तो अभी اس کے سی سی لائن میں جانے کے لیے آئی واونٹڈ ٹو ہا سبڈی یور اپینین بیکوز یو ار سمبڈی হু ہیز گان تھرو دس थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैं कोरोना प्रीमियर के बाद एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूं डेफिनेटली एवरीथिंग कम्स डाउन एकदम सो थैंक यू सर आई विल बी हैप्पी टू मीट यू डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू मीट यू हां ओके थैंक यू थैंक यू सो मच आई विल बी टच यू माक द एज ऑफ सैमुअल ویلانگنی ہے پتہ ہے اپ کو हां आई डोंट नो ओके बिकॉज़ ही इज द तमिलनाडु हेड ऑफ एसके ओ मैं नहीं जानती अभी थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए मुझे बैजवाड़ा विल्सन के संपर्क में आए बातचीत हो नहीं पा रही हाँ ड्यूरिंग कोरोना हम लोग टच में है नहीं अभी बंद किया हुआ एक तरह से जी ओके थैंक यू थैंक यू टू यू थैंक यू एंड विश बेस्ट विशेज